press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. समस्तीपुर जिले के सिंधिया थाना के हरदिया गांव निवासी सरोज साहू की 11 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या 5 अप्रैल को गांव में ही कर दिया गया था। न्याय के लिए बार बार थाना के चक्कर लगाया गया, इसके बावजूद थाना दबंग आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टे परिजनों को केस वापस लेने के लिए आरोपियों द्वारा तरह तरह से डराया धमकाया जाता है। इससे परेशान परिजनों एवं समाज के लोगों ने शुक्रवार को पूर्व सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक के समक्ष वर्षा में भींगते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना को भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह, माले नेता मोहम्मद सगीर समेत अन्य लोगों ने समर्थन देकर परिजन के पक्ष में सहयोग देने की घोषणा किया। वही भाकपा माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, यह जघन्य घटना है, इसके दोषियों को सजा दिलाने में भाकपा माले कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एसपी के बुलावे पर मृतका के पिता सरोज साहू एवं माता के नेतृत्व में परिजनों ने एसपी से वार्ता कर आरोपियों पर कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय मांगा। तत्पश्चात सर्दी व वर्षा में भींगे लोगों ने कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा किया। भाकपा माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि छात्रा महिला के साथ जहां कहीं भी अन्याय होगा, जोर जुल्म होगा, भाकपा माले उसे न्याय दिलाने के लिए आंदोलन के लिए पहली कतार में खड़ी रहेगी। इस कार्यक्रम के मौके पर भाकपा माले नेता मिथिलेश कुमार और जनाधिकार पार्टी नेता संगीत कुमार सहित इत्यादि लोग उपस्थित। समस्तीपुर से रमेश शंकर झा की रिपोर्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.